नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं या सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनम जीएनएम भर्ती 2018 की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 27 फरवरी को यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी एनम जीएनएम भर्ती 2018 को लेकर, जिसमें जाति प्रमाण पत्र पेश करने का एक और मौका दिया गया है कुछ अभ्यर्थियों को, कुछ महिला अभ्यर्थियों को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी यहाँ पे कुछ को मौका दिया गया है, लेकिन मैं दोस्तों साफ साफ आपको बता दूं, ये मौका उन्हीं को है जो जिनकी रीट पर राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था और जिनको लेकर स्टे था एनम भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एडवोकेट मैं बता दूं, यहाँ पे लगभग 4 से 5 एडवोकेट ने यहाँ पे पैरवी की थी, जिसमें सुदेश जी खशाना, कोमल गिरी, राम प्रताप जी सैनी और एक अपने एडवोकेट साहब थे मालपुरा से। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, मालपुरा से लक्ष्मीकांत जी शर्मा एडवोकेट थे। इन्होंने एनम जीएनएम भर्ती 2018 के केसेज यहाँ पे लड़े। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को यहाँ पे सुनवाई हुई थी, जिसमें SC ST वर्ग से चयनित, इसके अलावा OBC वर्ग से चयनित महिला अभ्यर्थियों के दोबारा दस्तावेज सत्यापन का यहाँ पे मौका दिलाया है। याचिकाकर्ताओं को वरीयता स्थान के होने के बावजूद भी यहाँ पे चयन से वंचित किया गया था। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इन्होंने अपने पिता के स्थान पर पति का नाम का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड किया था, जिससे इन अभ्यर्थियों को वंचित कर दिया गया था। उर्मिला और अन्य याचिकाकर्ताओं में ये आदेश दिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि प्रार्थी पक्ष की ओर से एडवोकेट राम प्रताप सैनी, लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा, सुदेश कशाना, कोमल गिरी सहित अन्य वकीलों ने यहाँ पे पैरवी की थी, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के जो पुनः दस्तावेज सत्यापन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 26 मार्च तक का समय दिया है और इनको पुनः इनके जो रिट जिनने लगाई थी, जिनकी रिट पे राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, उनके 26 मार्च तक पुनः दस्तावेज सत्यापन होंगे, पुनः जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर इनको पेश करना होगा। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, इन्होंने पति का के नाम का जाति प्रमाण पत्र पेश किया था, लेकिन अपने राजस्थान में एक रूल है कि पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसमें मैं बता दूं दोस्तों, इन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली। जैसा कि देख रहे हैं, एनम भर्ती में जाति प्रमाण पत्र पेश करने का एक और मौका दिया। दोस्तों ये वही केसेज हैं, लेकिन इनकी जो न्यूज है आज पेपर में प्रकाशित हुई है, 27 फरवरी को जिनकी सुनवाई हुई थी, वही केसेज है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एनम भर्ती 2018 में आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र पेश करने का एक और मौका दिया है। जी दोस्तों, अदालत ने कहा कि महिला अभ्यर्थी अपने पिता के जाति प्रमाण पत्र के साथ 26 मार्च तक पुनः दस्तावेज सत्यापन करवा लें। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, अपने राजस्थान में पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होता है। विभाग ने सर्कुलर भी जारी कर रखे हैं जो कोर्ट में यहाँ पे प्रोवाइड करवाए थे। इनके जो जिनने रिट लगा रखी थी, अन्य कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो मैं बता दूं दोस्तों, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं होगा। जिन जिन ने रिट लगा रखी थी, उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 26 मार्च तक ये काम कर लिया जाएगा। न्यायाधीश SP शर्मा ने ये आदेश उर्मिला देवी व अन्य की ओर से दायर याचिका में दी। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि भर्ती में आरक्षित वर्ग की याचिकाकर्ताओं के अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें यह कहते हुए सामान्य में मान लिया कि उनके पास अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जबकि दस्तावेज सत्यापन के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्तियों के साथ पिता का जाति प्रमाण पत्र पेश कर दिया, लेकिन विभाग ने उसे सुनवाई स्वीकार नहीं किया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने ऐसे अभ्यर्थी को 26 मार्च तक पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र पेश करने का मौका दिया है। अगर दोस्तों 26 मार्च ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये अंतिम तिथि है 26, इससे पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर लिया जाएगा। इसके अलावा मैं उन अभ्यर्थी को बता दूं जिनके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग
तो मैं बता दूं, ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो एएनएम भर्ती को लेकर, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी मार्च 1st, यानी तो मार्च स्टार्टिंग में यहाँ पे ज्वाइनिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वापस से उनके लिए सीट रिजर्व रख ली जाएगी। इसके अलावा एक कमेंट जामिया का बार बार आ रहा है कि सर जामिया वालों का क्या होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जामिया के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 10वीं जामिया से की इसके बाद में एएनएम या जीएनएम भर्ती का कोर्स किया, तो उसमें मैं बता दूं हाई कोर्ट ने यहाँ पे फैसला सुना दिया है। और मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि हाई कोर्ट ने जामिया उर्दू अलीगढ़ से जो डिग्री की थी, जिसके माध्यम से इन्होंने एएनएम का या अन्य कोई कोर्स किया था, उसको मान्य कर दिया है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दे दिया, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही बताया था। और दोस्तों मैं बता दूं कि जामिया वालों को भी जल्द ज्वाइनिंग देगी सरकार, जो स्वास्थ्य विभाग है इस पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको जरा भी यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप जरा भी पैनिक न हो जामिया वाले भी, क्योंकि बार बार यही बोलते हैं जामिया वाले अभ्यर्थी कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाया था, उसमें आपकी सारी डिटेल मैंने कवर की थी, आपको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके अलावा जो अभ्यर्थियों ने जिन अभ्यर्थियों का रिट का यहाँ पे सुनवाई हुई थी 27 फरवरी को, उनका एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जाति प्रमाण पत्र पेश करने का अंतिम मौका यहाँ पे दिया जाएगा इनको, और अपने पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे पेश करना होगा। बड़ी अपडेट आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे निकल के आ रही। और ज्वाइनिंग की प्रोसेस है एएनएम भर्ती की, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आज फरवरी का अंतिम दिन है 29, कल है संडे, तो यहाँ पे मंडे से यहाँ पे प्रोसेस लगभग एएनएम भर्ती की ज्वाइनिंग को लेकर चालू हो जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूं जीएनएम भर्ती का जो केस है सुभाष चंद्र रोत बनाम राजस्थान सरकार का जो केस है, उसकी हियरिंग यहाँ पे 18 मार्च को रखी गई है, लेकिन अर्ली हियरिंग की यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जा रही है। इसके अलावा जीएनएम भर्ती के कुछ जो केसेस हैं उनकी सुनवाई 2 मार्च सोमवार के दिन, 3 मार्च मंगलवार और 4 मार्च बुधवार के दिन होगी, जिसमें डब्ल्यूएजी साहब से जैसे कि हमारी वार्ता हुई, उन्होंने सकारात्मक यहाँ पे पक्ष रखा अपना और कहा कि 2, 3 और 4 मार्च को जो अधिकांश केस है उनकी सुनवाई हो जाएगी और सरकार के पक्ष में ही फैसला आएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं जीएनएम भर्ती वालों को भी यहाँ पे जरा भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार हमारे साथ है। जैसा कि कल माननीय सीएम साहब ने भी तारानगर है किसे जो विधायक है बुढ़ानिया साहब, उनको अवगत करवाया कि चाहे वो एएनएम भर्ती 2018 हो चाहे एएनएम जीएनएम भर्ती 2013 हो, दोनों भर्तियां कंप्लीट होगी, क्योंकि निरोगी राजस्थान अभियान के तहत बहुत बड़े स्टाफ की यहाँ पे आवश्यकता है राजस्थान को निरोगी बनाने के लिए, इसलिए इन्होंने दोनों भर्तियों को कंप्लीट करने का यहाँ पे बोला है। तो दोस्तों मैं बता दूं दोनों ही भर्तियों के चाहे अभ्यर्थी हो वो जरा परेशान न हो, दोनों भर्तियां आपकी कंप्लीट होगी, चाहे एएनएम जीएनएम भर्ती 2013 हो एएनएम जीएनएम भर्ती 2018 हो, क्योंकि सरकार को बहुत ज्यादा स्टाफ की यहाँ पर रिक्रूटमेंट है निरोगी राजस्थान अभियान के तहत। इसी के मद्देनजर रखते हुए दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य मित्र की भर्ती आ चुकी है लगभग 80,000 पदों पर, जिसमें कोई मानदेय यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, कोई स्वैच्छिक आधार पे करना चाहे तो वो कर सकता है, जिसका वीडियो मैंने स्पेशली बना दिया अपलोड कर दिया, वो जाके देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें सब कुछ यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा स्पेशली आज एएनएम जीएनएम भर्ती की बात कर रहे हैं, तो जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पे रिट लगाई थी उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जिसमें मैंने बताया आपको दोस्तों कि जो पैरवी की थी वो मालपुरा से अपने जो एडवोकेट साहब है उन्होंने, राम प्रताप जी सैनी ने, सुदेश जी खशाना ने, कोमल जी गिरी ने यहाँ पे पैरवी की थी। और जिन जिन महिला अभ्यर्थियों के जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद था, उनमें जो जस्टिस है एसपी शर्मा जी, उन्होंने फैसला सुनाते हुए अभ्यर्थियों के 26 मार्च से पहले डॉक्यूमेंट वापस से वेरिफिकेशन के आदेश दिए हैं, और अब इनको अपने पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र ही पेश करना होगा। इसके अलावा मैं उन अभ्यर्थियों को बता दूं कि बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरिट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मेरिट में यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि लगभग आप देख सकते हैं कि जब सरकार ने
इनकी जो प्रोविजनल और फाइनल सूची जारी की थी इन भर्तियों की, तो उसमें जो कोर्ट के प्रकरण थे उनसे संबंधित पद रिजर्व यहाँ पे रखे गए थे। तो यहाँ पे मेरिट का चेंज होने का कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा पीपीपी मोड वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। पीपीपी मोड वालों में बोनस संख्या के आधार पर ज्वाइनिंग होगी, उनको उसी के आधार पर दोस्तों फाइनल मेरिट में शामिल किया था मैंने पिछले वीडियो में, जैसा कि आपको बताया था उसी के आधार पर इनकी अंतिम सूची बनाई थी, लेकिन इनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। अब इनका भी केस का निपटारा हो चुका, तो इनका भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरिट में किसी भी प्रकार का कोई फैक्ट नहीं होगा, मेरिट वैसे की वैसी रहेगी। और इन अभ्यर्थियों के एक बार फिर से जिन जिन ने रिट लगाई थी एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।